दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 9 सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। इस चैप्टर में से टोटल 28 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलें देखते हैं। अब नंबर 1 है राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कोई से चार डिफरेंस आपने याद कर लेने हैं, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आप कोई से 2 डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अगर लॉन्ग के तौर पे आता है तो आप एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस लिखेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी डिफरेंस लिखें तो आपने डेफिनेशन दोनों की ज़रूर लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है गिव स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। इस रॉ की 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने तीनों याद करनी है। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर आप तीनों स्टेटमेंट्स लिखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट आता है तो फिर आप कोई सी एक लिखेंगे अलॉन्ग विद मैथमेटिकल फार्मूला। थर्ड है व्हाट आर ज़ियोट्रॉपिक एंड एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसकी मैंने आपको बुक पे निशान लगवाया है कि आपने किस तरह इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना है। आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है कि ज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कौन से होते हैं और एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन से होते हैं, और जस्ट एक एक एग्जाम्पल देनी है। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये भी आपको बुक पे निशान लगवाए हुए हैं, 3-3 लाइंस के हैं। आपने जस्ट ये मेंशन करना है कि नेगेटिव डेविएशन कौन सी होती है और पॉजिटिव डेविएशन कौन सी होती है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। 6 है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सिंपल डेफिनेशन है। 7 है व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी कर्व, कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। और 8 है व्हाट इज़ डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व। अब जो कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी और डिसकंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व हैं, इनकी डेफिनेशन के अलावा साथ ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ आपने लाजमी बनाना है, और साथ आपने एटलीस्ट 3-3 एग्जांपल्स देनी है दोनों की, कंटिन्यूस की भी और डिसकंटिन्यूस की भी। नंबर 9 है व्हाट इज़ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन लिखें। उसके 11 और 12 हैं व्हाट इज़ एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड व्हाट इज़ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है इनकी। 13 है व्हाट आर कंडीशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस हैं वो आपने याद करनी है। 14 है वाटर एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन, 15 डिफाइन हीट ऑफ सॉल्यूशन, 16 डिफाइन हीट ऑफ डाइजोल्यूशन, 17 डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी, 18 है डिफाइन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन 7th चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में भी दी हुई है, आपको दोनों में से जो सही लगती है, जो आपको सही अच्छे से आती है वो आप लिख सकते हैं। 19 व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 20 व्हाट इज़ अ कंसोलेट टेम्परेचर, 21 व्हाट इज़ अ कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, इसमें आपने इसकी एक एग्जांपल देनी है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन की। 22 है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेंट्स इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं गिवन सॉल्वेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। 23 भी मिलता जुलता है, व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट्स। 24 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल यूरिया सॉल्यूशन इज 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन इज लेस देन 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाई। ये मैंने एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 है व्हाई इज बेकमैन थर्मामीटर यूज टू नोट द फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट चेंजेस इन टेम्परेचर भी मेयर कर लेता है इस वजह से। 26 है इन समर्स एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर, ये बॉइलिंग ओवर है, वाई। इसी तरह ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि इन विंटर्स द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ द रेडिएटर फ्रॉम फ्रीजिंग ओवर। देखिए, जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है उसका काम गर्मियों में लिक्विड रेडिएटर के लिक्विड को उबलने से बचाना है और सर्दियों में जमने से बचाना है। तो ये क्वेश्चन आप 26 को आप मेंटली इस तरह भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर विंटर्स का पूछ लें तो दोनों में रीज़न सेम आएगा। 27 है NaCl एंड KNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वाई। 28 है व्हाई इथाइलीन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज एन एंटी फ्रीजर, इथाइलीन ग्लाइकोल को एज अ सॉल्यूट हम ऐड करते हैं लिक्विड ऑफ रेडिएटर में ताकि गर्मियों में वो बॉइलिंग ओवर से बच जाए और सर्दियों में वो फ्रीजिंग ओवर से बच जाए।